हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारी ऑनलाइन मैथ्स क्लास में। तो कल का जो हमारा टॉपिक था वो हमारा था पाइप एंड सिस्टर्न का, ठीक है। तो पाइप एंड सिस्टर्न क्लास वन हमारी हो चुकी है, तो आज का जो पैटर्न रहेगा वो हमारा क्लास टू के अकॉर्डिंग रहेगा, यानी जो क्वेश्चंस होंगे वो हमारे क्लास वन से थोड़े से एडवांस लेवल के होंगे। तो जिसने क्लास वन नहीं देखी है तो वो पहले क्लास वन जाकर देखो, उसके बाद आपको कॉन्सेप्ट किसका समझ आएगा, क्लास टू का समझ आएगा। और क्लास वन में मैं पहले ही बता चुका हूं कि अगर आपको पाइप एंड सिस्टर्न को अच्छे से समझना है तो आपका टाइम एंड वर्क का जो कॉन्सेप्ट है, टाइम एंड वर्क का जो कॉन्सेप्ट है ये एकदम क्लियर होना चाहिए, क्योंकि पाइप एंड सिस्टर्न में वही का वही कॉन्सेप्ट आपका यूज हो रहा है जो हम टाइम एंड वर्क में कर रहे थे, ठीक है। तो अगर पाइप एंड सिस्टर्न अच्छे से समझना है तो आपको सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट होगा वो टाइम एंड वर्क के जितने भी क्वेश्चंस हमने किए हैं लास्ट क्लासेस में, तो वो सारे के सारे आपको अच्छे से आने चाहिए। चलिए, तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, टू पाइप्स कैन फिल ए टैंक विद वॉटर इन 15 एंड 12 आवर्स रिस्पेक्टिवली एंड ए थर्ड पाइप कैन एम्प्टी इट इन 4 आवर्स। देखो, ए भर देता है 15 और बी भर देता है 12 घंटे में, ठीक है। और सी जो है, ये नेगेटिव साइन में इसलिए लगा रहा हूं ताकि आप लोगों को पता चलता रहे कि ये सी जो नल है वो किस चीज का है, एम्प्टी करने वाला है। तो ये कितनी देर में खाली कर देता है, ये खाली कर देता है 4 घंटे में, ठीक है। तो पहला स्टेप हमारा वही रहेगा एलसीएम। तो इसकी एफिशिएंसी आ गई 4, इसकी एफिशिएंसी आ गई 5 और इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई भाई, 15 आ गई। अब ध्यान से समझना है, इफ द पाइप्स बी ओपनड इन ऑर्डर एट 8, 9 एंड 11 AM। तो देखो, ए को हमने खोला 8 बजे, कितने बजे तक चलेगा, 11 बजे तो सी खुला ना। बी को हमने खोला 9 बजे, ये भी 11 बजे तक चलेगा। और जैसे ही 11 बजे आपने किसको खोल दिया, सी को भी खोल दिया। तो सी को हम लोग अलग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जिस टाइम सी ओपन होगा, क्योंकि जिस टाइम सी ओपन होगा उसके बाद जो है वो टैंक क्या हो जाएगा भाई, एम्प्टी होना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि ए प्लस बी प्लस का सी, अगर आप इन तीनों नलों को खोल देते हो तो आपके पास ए और बी की तो भरने की एफिशिएंसी है कितनी, प्लस की 9, लेकिन सी की जो एफिशिएंसी है वो खाली करने की है कितनी, माइनस का 15। तो किस एफिशिएंसी से टैंक खाली होगा, माइनस के 6। और माइनस का साइन क्या रिप्रेजेंट करता है, ये माइनस साइन रिप्रेजेंट करता है एम्प्टी की एफिशिएंसी, ठीक है। तो इसीलिए हम सी को क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो देखो, 11 बजे तक टिल 11 AM कितना टैंक फिल होगा, टैंक फिल्ड किसके बराबर आएगा भाई, 8 से 3 घंटे चलाना पड़ेगा, इसको मैंने 3 घंटे चला दिया तो यानी ये 12 यूनिट पानी भर देगा। 9 से 11 में 2 घंटे चलाना पड़ेगा तो यानी ये कितना भर देगा, 10। तो टोटल कितना पानी भरा जा चुका, टोटल पानी भरा जा चुका है हमारे पास 22 यूनिट। तो अब जैसे ही 11 बज गए तो ये तीनों नल ओपन हो जाएंगे, ए प्लस बी प्लस सी। तो तीनों नल जिस टाइम भी ओपन होंगे उसी टाइम से आपके पास नेगेटिव एफिशिएंसी स्टार्ट हो जाएगी, किसकी, 6 की। तो 22 यूनिट जो पानी भरा जा चुका, उसके बाद पानी भरा नहीं जाएगा, उसके बाद क्या होगा, पानी खाली होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो टाइम रिक्वायर्ड कितना होगा भाई, 22/6, ये हो गया हमारे पास 11/3 और 3 सही 2/3 घंटे, यानी इतने टाइम में वो नल क्या कर देगा, उसको खाली कर देगा। लेकिन हमें क्या पूछा गया, एग्जैक्ट टाइम पूछा गया है, तो एग्जैक्ट टाइम हम लोग निकाल देते हैं, एग्जैक्ट टाइम हम लोग निकाल देते हैं, इसको हम मिनट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये हो गया 3 घंटे और 2/3 यानी 40 मिनट, किसके बाद, ये हम जोड़ेंगे 11 बजे में, ये किस में जोड़ा जाएगा,
11 बजे में जोड़ा जाएगा, तो 11 और 3 में अगर हम प्लस करें तो बच गए 2, तो 2:40 पर, 2:40 पर जो आपकी टंकी है वो खाली क्या हो जाएगी भाई, एम्प्टी हो जाएगी। यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो चुका है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये, टाइम ओरिएंटेड क्वेश्चन था। इसमें आपसे ये भी पूछा जा सकता था कितनी देर में खाली होगी, लेकिन उसने एग्जैक्ट पूछ लिया तो हमें क्या करना पड़ा भाई, वो चीज प्लस करनी पड़ी। तो चलिए भाई, इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है हमारा, 2:40 पर आपकी टंकी क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ए पाइप कैन फिल ए टैंक इन एक्स आवर्स एंड अनदर पाइप कैन एम्प्टी इट इन वाई आवर्स। तो देखिए, ए जो है ये उसको भर देता है एक्स घंटे में, और वाई घंटे में वो क्या कर देती है, खाली कर देती है। तो वाई जो है वो हमारे पास खाली करने वाला टैंक आ गया। अब आगे क्या कहता है, देखो ये कहता है कि वाई जो है ये बड़ा है किससे, एक्स से। ये कंडीशन हमें दे रखी है। इसका मतलब क्या है कि जो खाली करने वाले के घंटे हैं वो भरने वाले से ज्यादा हैं। ध्यान से सुनना, खाली करने वाले के जो घंटे हैं वो भरने वाले से ज्यादा है। इसका मतलब बी की जो एफिशिएंसी है, बी की जो एफिशिएंसी है वो कम है किससे, बी की जो एफिशिएंसी है वो कम है किससे, ए की एफिशिएंसी से। ये हमें ध्यान रखना है। एलसीएम हमारे पास कितना आ गया भाई, एक्स वाई, इसकी एफिशिएंसी वाई आ गई, इसकी एफिशिएंसी एक्स आ गई। तो अगर ए की एफिशिएंसी ज्यादा है तो हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव वर्क होगा। अब ये क्या कहता है, इफ बोथ द पाइप्स आर ओपन इन हाउ मेनी आवर्स विल टैंक बी फिल्ड। तो कितनी देर में टैंक भर जाएगा, तो एक्स वाई भर जाएगा, तो यानी वाई माइनस एक्स, इतनी देर में जो टैंक होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, फिल हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया यानी एक्स वाई अपॉन में वाई माइनस एक्स, और एक ऑप्शन एक्स माइनस वाई का भी गिवन है, ये हमारे पास आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना ये एफिशिएंसी कब आएगी, जब आपको क्या करना होगा, टैंक एम्प्टी करना होगा। तो फिल के लिए ये रहेगा और एम्प्टी वाले में एक्स माइनस वाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर था, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 12 पंप्स वर्किंग 6 आवर्स अ डे कैन एम्प्टी ए कंप्लीटली फिल्ड रिजर्वोयर इन 15 डेज। हाउ मेनी सच पंप्स वर्किंग 9 आवर्स अ डे विल एम्प्टी द सेम रिजर्वोयर इन 12 डेज। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही है। कौन सा क्वेश्चन है ये, हमारे पास फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही है। तो देखो फॉर्मूला क्या था, डब्ल्यू वन अपोन में एम वन डी वन एच वन इज इक्वल्स टू डब्ल्यू टू अपोन में एम टू डी टू और एच टू। ठीक है, तो ये वर्क रिप्रेजेंट करता है, मैन की जगह अब हमारे पास क्या आ जाएंगे, पंप आ जाएंगे, डेज हो गए और आर्स हो गए। तो देखिए, 12 पंप 6 घंटे में 15 दिन काम करते हैं, तो कोई काम कर देते हैं और वर्क हमारे पास यहां सेम है, तो हमें निकालना है उसी जलाशय को कितने दिन में खाली कर देंगे। किसका निकालना है, कितने पंप, यानी हमें एम टू की वैल्यू निकालनी है, कितने दिन में, 12 दिन में, और कितने घंटे, 9 घंटे। तो 12 से 12 हमारा कैंसिल, 3 से काट लेते हैं, 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 3 5 15, तो एम टू की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 10 पंप्स। एम टू की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 10 पंप हो गई। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा क्या हो चुका है, इस क्वेश्चन का आंसर। और ये फॉर्मूला बेस्ड हमने बहुत ही बढ़िया तरीके से टाइम एंड वर्क में सीखा है भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इट टैप टेक्स 36 आवर्स एक्स्ट्रा टू फिल ए टैंक ड्यू टू ए लीकेज इक्विवेलेंट टू हाफ ऑफ इट्स इनफ्लो। द इनफ्लो कैन फिल द टैंक इन हाउ मेनी आवर्स। तो देखो भी, टंकी की तली में छेद होने के कारण एक नल किसी टंकी को भरने में 36 घंटे का अतिरिक्त समय लेता है, जबकि छेद की क्षमता नल से आधी है।
बताएं नल द्वारा टंकी को भरने का सही समय कितना है। तो यानी पाइप कितनी देर में उसको भर देगी, यानी टैप का हमें क्या चाहिए, टैप के हमें क्या चाहिए, फिलिंग आर्स चाहिए भी, टैप के फिलिंग आर्स चाहिए। तो देखो यहां पे एक चीज कहता है, छेद की जो क्षमता है वो नल से आधी है, यानी टैप और लीक इनकी एफिशिएंसी जो है वो 2:1 की रेशियो में होगी। तो टाइम कितना लगेगा, 1:2 में लगेगा। अब जब टैप और लीक दोनों एक साथ चलेंगे तो एफिशिएंसी माइनस होगी तो 1 की तरह जाएगी, क्यों, 2 - 1 किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा। तो मैं एक चीज कह सकता हूं कि टैप प्लस लीक की जो एफिशिएंसी है वो लीक की एफिशिएंसी के बराबर है भाई। तो इसकी जगह हमारे पास क्या बन जाएगा, टैप और टैप प्लस लीक इनकी एफिशिएंसी कितनी आ गई, 2/1। तो टाइम कितना लगेगा, 1/2, ठीक है। और डिफरेंस कितना दे रखा है, 1:36 hours, 36 घंटे ज्यादा लेते हैं तो ये कितने लेंगे भाई, 72 घंटे, और ये कितने लेंगे, 36 घंटे। तो हमसे सिर्फ टैप का पूछा गया था तो हमारे पास टैप का आंसर कितना आ चुका है, 36 hours। तो यानी ये हमारे पास ऑप्शन नंबर ए क्या हो चुका है, आंसर हो चुका है भाई, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप इसको एक्स मानकर करोगे तो ये चीजें आपकी बहुत ज्यादा आपका टाइम कंज्यूम कर लेगी और आपकी इक्वेशन फॉर्म होगी, क्या फॉर्म होगी, इक्वेशन, और वो भी किस में, क्वाड्रेटिक फॉर्म में, क्वाड्रेटिक फॉर्म में आपकी इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। तो उस हिसाब से हमें नहीं करना है, आपको सिर्फ ये कॉन्सेप्ट यहां समझना था, ठीक है। तो इसका आंसर आ चुका है हमारा 36 hours। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। ए टैप कैन बी फिल्ड विद वॉटर, ए टैप कैन बी फिल्ड विद वॉटर बाय 2 pipes ए एंड बी टुगेदर इन 36 minutes। तो ए और बी कितनी देर में, 36 मिनट में। तो एलसीएम हम ले लेते हैं 36, ए और बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 1। इफ द पाइप बी वॉज स्टॉप्ड आफ्टर 30 मिनट्स, तो अगर ये दोनों 30 मिनट तक काम करते हैं तो कितना काम हो चुका होगा, 30। तो ये वर्क जो रह गया, ये जो रिमेनिंग वर्क है ये कितना रह गया, 6। और ये किसने किया, अब ध्यान से देखना, किसको रोका हमने, हमने पाइप बी को रोक दिया, तो ये काम किसने किया, ए ने किया होगा। द टैंक इज फिल्ड इन 40 मिनट्स, टैंक 40 मिनट में भर जाता है, तो 30 मिनट तो हमारे यहां चले ही गए, तो ये काम किया होगा ए ने 10 मिनट में। तो ए की एफिशिएंसी कितनी हो गई, ए की एफिशिएंसी हो गई 6/10, यानी कि 3/5। तो आपसे काम करने के लिए कहा गया है पाइप बी के द्वारा, द पाइप बी कैन एलोन फिल द टैंक इन, तो बी की एफिशिएंसी देखो भी कितनी आएगी, दोनों की मिलाकर कितनी है, 1 है, तो दोनों की में से 3/5 अगर मैं माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या बचेगा, 2/5। ये किसकी एफिशिएंसी आ गई मेरे पास, बी की एफिशिएंसी। तो काम है हमारे पास 36, बी की एफिशिएंसी है 2/5, 2 यहां आ जाएगा, तो ये पलट कर कितना बन गया आपके पास, 90 मिनट्स। तो यानी बी जो फिल करेगा वो कितनी देर में कर देगा, 90 मिनट में, अगर एलोन काम करेगा तो। तो यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा क्या हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 pipes ए एंड बी कैन फिल ए वॉटर टैंक इन 20 and 24 minutes रिस्पेक्टिवली। ए भर देता है 20 मिनट में और बी फिल कर देता है 24 मिनट में, ठीक है। ए थर्ड पाइप सी कैन एम्प्टी एट द रेट ऑफ 3 gallons per minute। सी की एफिशिएंसी हमें गिवन है कितनी भी, 3 gallons per minute, ठीक है, ये एफिशिएंसी सी की गिवन है। इफ ए बी सी आर ओपन्ड टुगेदर टू फिल द टैंक इन 15 मिनट्स, तो ए प्लस बी प्लस सी को
अगर मैं खोल दूं तो ये कितनी देर में काम खत्म हो जाता है? 15 मिनट में। यानी पॉजिटिव वर्क होता है, पॉजिटिव वर्क होता है। यानी ए और बी की जो एफिशिएंसी है, ए और बी की जो एफिशिएंसी है वो सी की एफिशिएंसी से क्या है भाई, ज्यादा है। तभी तो टैंक फिल होगा ना तीनों चलने के लिए। तो ये आ गया हमारे पास 120, 6, 5 और ये हो गया 8। ठीक है भाई। तो अब देखो, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द टैंक, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द टैंक। तो सी की अगर एफिशिएंसी गिवन है तो सी के द्वारा, सी के द्वारा टाइम कितना लगेगा वो हम निकाल लेते हैं। तो देखो, सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, हम क्या करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी में से ए प्लस बी, ये हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। और ए प्लस बी प्लस सी बराबर किसके है, 6 के। ए और बी बराबर किसके है, 11 के। तो 11 प्लस सी बराबर है 6, तो सी बराबर किसके आ गया, माइनस 5 के। ठीक है, तो ये यहीं देख लेते हैं। तो देखो, सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, माइनस 5। माइनस क्या रिप्रेजेंट करता है, एम्प्टी करने वाला, वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। अब देखो, सी के द्वारा टाइम कितना लगेगा, सी के द्वारा टाइम लगेगा 120 बटे में 5। ठीक है भाई, 8 है, सॉरी ये 8 है। तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा। तो 120 बटे में 3 यानी कितने, 40 मिनट में, 40 मिनट में सी क्या कर देता है, टैंक को एम्प्टी कर देता है। और हर मिनट कितना पानी निकालता है, 3 गैलन। तो 40 मिनट में कितना पानी निकाला होगा, 40 मिनट में निकाला होगा 40 × 3 यानी 120 गैलन्स। और ये मेरा क्या है, आंसर है। तो देखो, ऑप्शन नंबर सी जो है ये हमारा क्या हो चुका है भाई, आंसर हो चुका है। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जब तीनों खुलते हैं तो टैंक फिल होता है या टैंक एम्प्टी होता है। एक इसी में आपके पास एम्प्टी करने की एफिशिएंसी भी दी गई होती है, तो वो क्वेश्चन भी आप लोग यहाँ ट्राई कर लेना। बस फर्क क्या होगा, वहां पे फिलिंग वाले में यहाँ प्लस 8 होगा और एम्प्टी वाले में यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। An empty tank can be filled by pipe A in 4 hours. A 4 घंटे में भर देता है and by B in 6 hours. B के द्वारा 6 घंटे में। LCM आ गया हमारे पास 12, efficiency 3 और 2, दोनों भरने वाले। If the two pipes are opened for 1 hour each alternately with the first opening pipe A, then the tank will be filled in. दोनों भरने वाले हैं, तो ए बी काम करेंगे कितना काम भाई, जब तक 12 काम नहीं हो जाता। तो मैं लिख सकता हूं 5 काम 2 घंटे में। ऐसी ऐसी एक और सीरीज हमने ले ली तो मैं लिख सकता हूं 10 काम 4 घंटे में। ठीक है, अब ये जो आखिरी काम किया ये किसने किया होगा, ग्रुप में बी ने किया होगा, बारी किसकी आ गई, ए की। तो हमें सिर्फ 2 काम करवाना है, हमें सिर्फ 2 काम ही करवाना है। जैसे ही आप 2 काम करवाओगे आपका टोटल वर्क क्या हो गया, कंप्लीट। तो अब देखो, ए जो है वो 3 काम करने में 1 दिन लेता है, 1 काम करने में 1/3 दिन लेगा, तो 2 काम करने में, 2 काम करने में कितने दिन लेगा, 2/3 डेज। तो यहां पे हम क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं 2/3, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 4 2/3 आवर्स। तो 4 से ही 2/3 घंटे में आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे काम क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 पाइप्स ए बी एंड सी कैन फिल ए सिस्टर्न इन 6 आवर्स आफ्टर वर्किंग एट इट टूगेदर फॉर 2 आवर्स सी इज क्लोज्ड। देखो, ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी, ये मिलकर काम करते हैं 6 घंटे में।
एलसीएम 6 एफिशिएंसी 1, 2 घंटे इन्होंने इकट्ठे काम किया, तो 2 घंटे में दो काम हो गया होगा, मैं कह सकता हूं 4 काम बच गया। अब किसको बंद कर दिया, सी इज क्लोज्ड, तो यानी ये जो 4 काम है ये कौन कर रहा है, ए प्लस बी कर रहे हैं। एंड ए एंड बी फिल इट इन 7 आवर्स मोर, ये लोग 4 काम करने में 7 घंटे लेते हैं, तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई भाई, ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 4/7। ठीक है, तो अब ये चाहता है द टाइम टेकन बाय सी एलोन टू फिल द सिस्टर्न, तो सी एलोन की एफिशिएंसी, सी एलोन की एफिशिएंसी कितनी है भाई, 1 - 4/7 इक्वल्स टू 3/7। ये सी अकेले की एफिशिएंसी है, तो काम कितना था, काम था 6, टाइम टेकन बाय सी 6/3 × 7, ये 7 पलट के ऊपर आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा भी, 14 घंटे, 14 घंटे किसके द्वारा काम करने पर, सी के द्वारा अकेले काम करने पर, सी के द्वारा अकेले काम करने पर, तो यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो चुका है। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए टैंप कैन फिल ए एम्प्टी टैंक इन 12 आवर्स एंड अनदर टैंप कैन एम्प्टी द हाफ टैंक इन 10 आवर्स, तो देखो ए भर देता है 12 घंटे में, और बी जो है, बी जो है वो आधा खाली करता है, हाफ एम्प्टी कितनी देर में, 10 घंटे में, तो मैं कह सकता हूं फुल कितनी देर में कर देगा, 20 घंटे में, तो बी जो है वो खाली कर देता है कितनी देर में, 20 घंटे में भी, तो एलसीएम आएगा 60, ये हो गया 5, ये हो गया 3। इफ बोथ द टैप्स आर ओपन्ड साइमल्टेनियसली, दोनों को एक साथ खोल दिया, हाउ लॉन्ग वुड इट टेक फॉर द एम्प्टी टैंक टू बी फिल्ड टू हाफ इट्स कैपेसिटी, आधा ही भरना है, आधा भरना है तो कितना आ जाएगा भाई, काम हमारे पास रह गया कितना, 30, और दोनों चल रहे हैं तो ये भरने वाला है, ये खाली करने वाला है, ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 2, तो 30/2 यानी कितनी देर लगेगी, 15 घंटे, तो ये 15 घंटे हमारा आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर सी, तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, अगर कंप्लीट वर्क करने को कहता तो इसका क्या हो जाता, डबल हो जाता, 15 × 30 आ जाता, लेकिन ये पॉइंट आपको यहां ध्यान रखना था कि आधे भाग को भरने में लगा समय क्या होगा, हम जल्दबाजी में ये आधे भाग को गायब कर देते हैं और हम आंसर क्या लगा देते हैं, 30 घंटे, तो वो गलत हो जाता है आपका। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। ए टैप कैन फिल ए सिस्टर्न इन 40 मिनट्स एंड ए सेकेंड टैप कैन एम्प्टी द फिल्ड टैंक इन 60 मिनट्स। देखिए अभी ए भर देता है 40 में और बी जो है वो खाली कर देता है कितने में, 60 में, तो एलसीएम 120, 3 और 2। बाय मिस्टेक विदाउट क्लोजिंग द सेकेंड टैप द फर्स्ट टैप वॉज ओपन, यानी मैंने बी को नोटिस किए बिना ए को ही खोल दिया, तो अब ए और बी काम कर रहे हैं किस एफिशिएंसी से, एक की एफिशिएंसी से। इन हाउ मेनी मिनट्स विल द एम्प्टी सिस्टर्न बी फिल्ड, तो 120/1 यानी आपका आंसर कितना है, 120 मिनट्स, 120 मिनट्स यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा आंसर हो चुका है। ठीक है, अभी आगे देखते हैं। टू पाइप्स पी एंड क्यू कैन फिल ए सिस्टर्न इन 12 and 50 मिनट्स, पी भर देता है 12 में, क्यू भर देता है 15 में, बोथ आर ओपन्ड टुगेदर बट एट द एंड ऑफ 3 मिनट्स पी इज टर्न्ड ऑफ। ठीक है, तो एलसीएम 60, 5, 4, तो इन्होंने कितनी देर तक काम किया, 3 मिनट तक काम किया, तो मैं कह सकता हूं 27 काम कर दिया, तो 60 में से 27 अगर जाएंगे तो 33 काम बच गया, ये 33 काम करने के लिए देखो मैंने क्या कर दिया, पी को बंद कर दिया, तो अब पी काम करेगा ही नहीं, तो ये 33 काम किसने किया होगा, क्यू ने किया होगा। इन हाउ मैनी मोर मिनट्स विल क्यू फिल द सिस्टर्न, इन हाउ मैनी मोर मिनट्स, कितना टाइम और लगेगा, तो 33
बाई चार, तो ये हो गया 8 1/4 मिनट, 8 1/4 मिनट्स। तो इतना टाइम और लगेगा टंकी को भरने में, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है ये हमारा क्या है भाई, आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाइप ए कैन फिल ए सिस्टर्न इन 6 आवर्स एंड बी कैन फिल इट इन 8 आवर्स, दोनों भरने वाले हैं, ए 6 में और बी 8 में। बोथ द पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली, दोनों को खोल दिया 24, 4 और 3, बट आफ्टर 2 आवर्स पाइप ए इज क्लोज्ड। ठीक है, 2 घंटे इन्होंने काम किया तो कितना काम कर दिया भाई, 14 काम, तो 14 हो गया तो काम कितना बच गया, 10 काम। किसको बंद कर दिया, ये खास बात ध्यान रखनी है कि बंद किसको किया, पाइप ए को बंद कर दिया। हाउ मेनी आवर्स विल बी टेक टू फिल द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सिस्टर्न, अब ए को तो बंद कर ही दिया, काम कौन करेगा, बी करेगा, किस क्षमता से, 3 की क्षमता से, तो 3 सही, 1/3 हमारा क्या हो गया भी, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है ये हमारा आंसर हो चुका है। तो आज के सेशन का यहीं पे एंड करते हैं। तो अगर आपको और कोई इंफॉर्मेशन चाहिए एग्जाम रिलेटेड, तो आप हमारा फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नाम क्या है, क्वांटिट्यूड। ठीक है, और इसी नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, वो भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी डेली प्रॉब्लम्स, डेली प्रॉब्लम्स को आप लोग शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो जितना भी कोशिश होगी हम आपकी प्रॉब्लम्स को कवर अप करने की कोशिश करेंगे और आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, वो सॉल्यूशन आपका पेपर पे भी हो सकता है और वीडियो के द्वारा भी हो सकता है, तो वो। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि किसी और का भी इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग अगर किसी को कोई चीज़ चाहिए हो तो वो भी हमारा क्वांटिट्यूड ग्रुप और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सके। तो जुड़े रहिए हमारे साथ नेक्स्ट वीडियो के लिए। ठीक है, तो आगे की जो क्वेश्चंस हैं वो हम कवर अप करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।